अभी मैं इस एसएमपी में रिचेस्ट प्लेयर बन गया हूँ। हेलो गाइस, आज हम दोबारा से खेलने जा रहे हैं पाल एसएमपी। मेरा आज का गोल है कि मुझे इस एसएमपी में रिचेस्ट प्लेयर बनना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं ऐसे ही मज़ेदार कंटेंट आपके लिए बनाता रहूँगा। तो अभी हम चलते हैं अपनी पाल एसएमपी में। तो एसएमपी में आकर मैंने अपने सारे पॉकीबॉल रोटो मार्केट में बेच दिए। रोटो मार्केट से मुझे एक पॉकीबॉल के 100 रुपये मिल रहे थे। अपने पॉकीबॉल बेच के मुझे 4,100 रुपये मिल गए। और ऐसे ही मैंने कुछ पोर्शंस रोटो मार्केट में सेल कर दिए। फिर उसके बाद मैं चला गया फाइट करने टीम रॉकेट या कोई ऐसे प्लेयर के साथ। मैंने ऐसे बंदों के साथ बहुत बार फाइट की और ऐसे ही कभी कभी समन नहीं होते थे तो मुझे बहुत गुस्सा आता था। इस बंदे के साथ मेरी बहुत देर तक फाइट चल रही थी। फाइट करने के बाद मुझे सिर्फ 233 रुपये मिल गए। उसके बाद मैंने कुछ पॉकीबॉल्स और सुपर बॉल्स बेच दिए रोटो मार्केट में। वो भी सुपर बॉल के मुझे 300 रुपये मिल रहे थे, जो बहुत ही ज़्यादा होते हैं। और ये बेचने के बाद मैंने फिर से बहुत बंदों के साथ फाइट की। मुझे थोड़े पॉकीबॉल्स यहाँ से मिल रहे थे। इसका मैंने बहुत अच्छे से उपयोग किया और ये जल्दी स्पॉन होते थे। उसके बाद मैंने फिर से पॉकीबॉल सेल किए। फिर ऐसे बंदों के साथ मैंने फाइट की। इसके बाद मेरे पास सिर्फ 14,000 रुपये हो गए थे और ये मेरे लिए बहुत कम थे। उसके बाद मैंने बहुत फाइट की और पॉकीबॉल सेल किए और फाइनली मुझे रिजल्ट मिल गया। पैसे देखने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। यस, मैंने 50,000 रुपीस अर्न किए। इसमें मुझे बहुत मेहनत लगी है, हद से ज़्यादा। और मुझे नहीं लगता कि किसी ने इस एसएमपी में 50,000 रुपीस अर्न की है। सो गाइस, अभी मैं इस एसएमपी में रिचेस्ट प्लेयर बन गया हूँ। तो इसी के साथ मैं यहाँ पे वीडियो एंड कर रहा हूँ। और वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय।